हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर ही नेचुरल फ्रूट ब्लीच कैसे तैयार करते हैं। तो फ्रूट ब्लीच को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ऑरेंज पील यानी कि संतरी का छिलका। इसके अलावा हमें अनार के छिलके का भी ज़रूरत पड़ेगा। इन दोनों छिलकों को हम बराबर पोर्शन में ले लेंगे। आप इसमें अनार के कुछ दाने ज़रूर डालें क्योंकि उनके सीड्स जो वाइट कलर के होते हैं, अंदर में उनमें एक ऑयल होता है, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मैं आगे उनके बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, तो आप उन दानों को ज़रूर डालें। अब इसमें 2 चम्मच रोज वाटर मिक्स करें, मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसका जो पेस्ट होगा वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्क्रबर टाइप यानी कि खुरदरा होना चाहिए। अब हम इस ब्लीच को तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैं 2 चम्मच इस पेस्ट को ले रही हूँ। फिर इसमें हम 1 चम्मच शहद ऐड करेंगे, फिर इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। एट द लास्ट हम इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा फ्रूट ब्लीच रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। इस फ्रूट ब्लीच को अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को साफ पानी से धो लें। इस फ्रूट ब्लीच को अपने स्किन पे इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन की ओर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऑरेंज पील का यूज किया है। ऑरेंज पील में सिट्रिक एसिड होता है जो एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, जो हमारे स्किन की टॉक्सिन को प्यूरिफाई करके उसे फ्रेशर एंड ब्राइटर लुक देता है। ऑरेंज पील में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो हमारे स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने में हेल्प करता है। इसमें मैंने पोमोग्रेनेट सीड्स एंड पील भी ऐड किया है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई पाए जाते हैं जो स्किन सैगिंग को रिड्यूस करके रिंकल होने से प्रिवेंट करता है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करके ब्रेकआउट्स को प्रिवेंट करता है। ये स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करके स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके सीड्स एंड पील दोनों ही स्किन लाइटनिंग एंड वाइटनिंग कंपाउंड से भरपूर होते हैं जो स्किन वाइटनिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने हनी और टर्मरिक भी ऐड किया है, जिसका एक सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि हनी एंड टर्मरिक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे स्किन पे और कैसे वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है हमारी स्किन पर। इस पैक को अप्लाई करने पर स्किन पर एक कूलिंग सेंसेशन होती है जो बहुत ही अच्छी लगती है। इस पैक की एक थिक लेयर अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है और अप्लाई करने के बाद उसे 20 मिनट्स के लिए वैसे ही छोड़। इस पैक को अपने स्किन पे ड्राई नहीं होने देना है। 20 मिनट्स के बाद इस पैक को मसाज करना है अपने स्किन पर। इस तरीके से मसाज करने पर हमारे स्किन से डर्ट, डेड स्किन सेल्स, ब्लैकहेड्स एंड व्हाइट हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे। इस पैक को यूज करने का बेस्ट टाइम है रात के टाइम पे, और इसे जब यूज करेंगे उसके बाद इसे नॉर्मल वाटर से धो लेंगे। इसमें कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करेंगे। आप सुबह अपना फेस वॉश कर सकते हो, बट जब आप लगाओगे रात में तो सिर्फ नॉर्मल वाटर से धोना है। तो सुबह आपको अपने स्किन पे इतना ज़्यादा डिफरेंस लगेगा कि आप नेक्स्ट इसे ज़रूर यूज करोगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लिया है। आप जब इसे अप्लाई करोगे उसके नेक्स्ट डे ही आपको एक रिमार्केबल डिफरेंस दिखेगी अपने स्किन में। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है और मेरे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी और हम एक दूसरे से जुड़े भी रह पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।